नमस्कार दोस्तों, बीसी यानी बॉलीवुड चलोगे में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित त्रिपाठी। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं 1992 की दो बड़ी हिट फिल्मों के बारे में। जी हां, बेटा और जिगर। पहले करते हैं बात फिल्म बेटा की। जी हां, बेटा फिल्म जो कि 3 अप्रैल 1992 को रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा दिया था इस फिल्म ने, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म का जो दोस्तों बजट था, इस फिल्म का बजट था 4 करोड़ रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया था 13 करोड़ रुपए का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 24 करोड़ रुपए का। इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और अरुणा रानी जैसे बड़े बड़े कलाकार थे दोस्तों। और ये फिल्म की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त थी और आज भी लोगों के दिमाग में इसकी कहानी बसी हुई है। और ये एक इमोशनल फिल्म थी जो कि बहुत ज़बरदस्त हिट साबित हुई थी और अनिल कपूर की जिसमें एक्टिंग थी बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग थी दोस्तों। जी हाँ, अगर वही हम बात करें फिल्म जिगर के बारे में, जिगर फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ करिश्मा कपूर थी और परेश रावल, गुलशन कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार थे। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, 23 अक्टूबर 1992 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म का जो बजट था, इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 4.5 से 5.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 7 से 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और ये फिल्म एक्शन फिल्म थी, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म थी। इस फिल्म की स्टोरी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है और ये दोनों की दोनों फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त फिल्में थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने ये दोनों फिल्में ज़रूर देखी होंगी और दोनों की कहानियां आज भी आपके मन में बसी होंगी, आपके दिमाग में बसी होंगी। आपको क्या लगता है, इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए आज की डेट में, तो आपको क्या लगता है बेटा फिल्म ज़्यादा अच्छी थी कि जिगर फिल्म ज़्यादा अच्छी थी? आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।